जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले दिव्यांग वकील खान के घर के बाहर खड़ी ट्री साइकिल में रात 2 बजे के करीब आग लगा दी। परिवारजनों को आग लगने की जानकारी साइकिल के टायर फटने पर हुई। जब तक परिजन जागते तब तक आग लगाकर लोग भाग चुके थे। दिव्यांग वकील खान ने बताया कि रोज की तरह वह अपनी ट्री साइकिल घर के बाहर खड़ी करके अंदर सोने चले गए थे। रात्रि में करीब 2 बजे टायर फटने की आवाज सुनकर घर के लोगों ने बाहर आकर देखा तो साइकिल पूरी तरह जल चुकी थी। इससे पहले भी 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है। दिव्यांग ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी इंदरगढ़ धीरेन्द्र मिश्रा ने दिव्यांग को आश्वासन दिया है कि आग लगाने वाले शरारती तत्वों को जल्द से जल्द पकड़कर कार्यवाही की जाएगी। इंदरगढ़ से शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। आपको कब बात हो गई? साइकिल चला रही हमारी रात को 2 बजे। कहाँ पे? नहीं अंदर बस थी, घर पे। घर पे बाहर रखी थी, अंदर जाने को जगह है नहीं। हाँ बाहर ही रखी थी, बाहर ही जला रही। तीसरा कांड है। मतलब पहले भी जला चुके हैं? हाँ पहले भी जला चुके। एक बार थूक मार के टीम बाबा थूक को रास्ते को पड़ गया वहाँ पर डाल रही। और 2 बार जला दी? और 2 बार जला दी। हम तो साहब बहुत परेशान रहते। तो किसी पे शक है आपको? सब तो ऐसे बिगड़ते हैं, अपन कैसे कह रहे हैं सब। अच्छा तो अभी थाने में रिपोर्ट डाली है आप? हाँ थाने में बताने आए।